तो टाइटल और थंबनेल तुमने देख ही लिया होगा कि भाई ये काम करो, लड़की कसम से तुमसे प्यार की भीख मांगेगी, खुद प्रपोज करेगी और अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। भाई कोई क्लिकबेट नहीं, एकदम सही बात है। बस वीडियो को अंत तक देखना है और उसको अप्लाई करना है। वीडियो देखने से ही सब कुछ नहीं होता, इन्फॉर्मेशन लेके उसको अप्लाई भी करो। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या करें कि लड़की हमें प्यार करे, हम लड़कियों को प्यार ना करें, लड़की हमारा पीछा करे, हम लड़कियों का पीछा ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई लड़के परेशान हो जाते हैं कि यार लड़की के लिए इतना कुछ किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन लास्ट में उसने फ्रेंड जोन कर दिया, हमारा काट दिया, भाई मैं क्या करूं। अगर तुम्हें जानना है कि लड़कियां कैसे पटती हैं तो तुम्हें एक एग्जांपल लेना है। एक बिल्ली को एक इमेजिन कर लो कि एग्जांपल एक बिल्ली है, उसके ऊपर एक धागा लटका हुआ है और धागा में बंधा हुआ है क्या, चूहा। चूहा उसको पसंद होता ही है। अब बिल्ली क्या करेगी, चूहा खाने की कोशिश, वो बार बार ऊंचा उठेगी कि भाई उसको पकड़ के मैं खा लूं। लेकिन तुम्हें क्या करना है, वो धागा लेकर ऊपर उठा देना है। जैसे ऊपर उठेगी और ऊपर उठा देना है धागा, फिर नीचे लाना है, लालच देना, फिर ऊपर उठा लेना है। कोशिश करना कि बिल्ली चूहे को ना पकड़ने पाए। पता है क्या होता है, जब तक बिल्ली को चूहा नहीं मिलता तब तक बिल्ली को बहुत मजा आता है, वो खूब कोशिश करती है, खूब ही कोशिश करती है कि कैसे उसे वो चूहा मिल जाए। लेकिन जैसे ही तुम उस धागे को नीचे लाते हो, वो चूहे को पकड़ लेती है, चूहे को थोड़ा खाएगी, खेलेगी, निचोड़ेगी, खटाएगी, पटाएगी, उसके बाद क्या करेगी, फेंक देगी। अब चूहा ये कहे कि बिल्ली तूने मेरे को पाने के लिए इतनी मेहनत करी, अब जैसे ही मैं तुझे मिल गया तूने आधा अधूरा खाया, काटा, पीटा और फेंक दिया, ये क्या बात हुई। और यही सेम हमारे साथ होता है। कुछ लड़के समझ गए होंगे जो समझदार होते हैं। लड़की हमें देखती है, स्माइल करती है, भाई बहुत अच्छी बात है, हमें लगता है कि वाओ मैं, लड़की तो हमको चाहती है, लड़की तो हमको पटा लेगी, लड़की तो ये, लड़की तो वो, हम चूतियों की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम उसके पीछे पड़ते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, करते हैं, करते हैं, लड़की थोड़ा और हिंट देती है, फिर और पीछे पड़ते हैं, और हिंट देती है, और पीछे पड़ते हैं, और जैसे बहुत ज्यादा पीछे कर जाते हैं, लड़की क्या करती है, पीछा छोड़ देती है, लड़की हमें देखना ही बंद कर देती है, स्माइल देना तो बहुत दूर की बात है। लड़की ऐसे रिएक्ट करती है कि तुम तो यहां पर हो ही नहीं, तुम कौन हो, कहां से आ गए, निकलो यहां से। अब चूहे की तरह तुम भी कहते हो कि यार बिल्ली यानी कि लड़की, पहले तो तू बहुत हिंट देती थी, पहले तो बहुत देखती थी, बहुत स्माइल पास करती थी, अब तुझे क्या हो गया, अब तो मैं तुझे मिल रहा हूं ना, गर्लफ्रेंड बन जाना, पहले तो तू ऐसा दिखा देती कि गर्लफ्रेंड बनी जाएगी, प्यार करती है, मोहब्बत करती है, अब तो मेरा काट रही है, अब तुझे मुझ में वो वाली बातें नहीं दिख रही, तेरे को क्लिक नहीं मिल रहा, तेरे को ये नहीं मिला, तेरे को वो नहीं मिला, तूने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया, तू किसी और लड़के के पीछे जा रही है, काट क्यों रही है मेरा। मैं तुम्हें बताता हूं ऐसा क्यों होता है। देखो लड़की पटाना एक गेम होता है पावर का, पावर मतलब स्ट्रेंथ, पावर कुछ भी लगा लो, एक पावर का गेम होता है। लड़की के हाथ में जब तक पावर रहेगी तब तक काम आपका खराब ही होता रहेगा, और जैसे ही लड़की के हाथ से पावर जाती है काम आपका बनने लग जाता है। एक चीज समझो कि जब भी तुम किसी लड़की को देखते हो तो तुम्हारी पावर लूज होती है। कैसे, कि जैसे तुमने किसी लड़की को देखा वो तुम्हारे दिमाग में हिंट हो गई, मतलब क्लिक कर गई कि हाँ भाई लड़की बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, बहुत सेक्सी, बहुत हॉट है, जो भी क्यूट है, जो तुम्हारे मन में आ गया, तुम घर पे गए उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हो कि लड़की बहुत ही हॉट है, सेक्सी है, हॉट है, सेक्सी है, क्यूट है, हॉट है, सेक्सी है, क्यूट है, दिन भर उसके बारे में सोच रहे हो, रात में भी उसके बारे में सोचा, सुबह उठते हो उसके बारे में सोचा, नहा धो रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो, उसकी कस्में लेके भाई ठंडा ना पानी डाल रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको सोच के कर रहे हो। यानी कि तुम्हारी पावर तुम्हारे हाथों से जा चुकी है और वो पावर है अब लड़की के पास। लड़की भाई तुम्हारी इमेजिनेशन में आई जा रही है, तुम्हारे ख्यालों में आई जा रही है और तुम अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पावर तुम्हारे हाथ से जा रही है। तुम सोचते हो कि ऐसा उस लड़की में क्या है जो साली बार बार मेरे दिमाग में आ रही है, मैं क्या करूं कि उसको पटा लूं, मैं क्या करूं कि उसको निकाल दूं। तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब यहां पर क्या होता है, यही चीज होती है। जैसे ही लड़की तुम्हारे बारे में सोचती है वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचेगी, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, वैसे वैसे उसके हाथ से पावर जाने लग जाती है। और जैसे ही पावर उसके हाथ से जाने लग जाती है लड़की उस पावर को पकड़ने की कोशिश करती है, और जब लड़की उस पावर को पकड़ने की कोशिश करती है ना तभी वो तुमसे पट जाती है। अब अगर तुम अपनी पावर उसको हाथ में बिल्कुल परोस के दोगे कि ये लो तुम्हारी पावर में, तुम्हें दोबारा लौटा देता हूं, तो सबसे बड़े चूतिए तुम हो। मैं भी अगर ऐसा करूंगा, मैं भी सबसे बड़ा चूतिया हूं, मैंने बहुत बड़े चूतिया पा किया हुआ, मैं चूतिया बन चुका हूं कि मैं अपने आप उसकी जाके पावर दे देता था कि यार ले लो यार मुझे बहुत तरस आ रहा है, ले लो अपनी पावर ले लो। नहीं, तुम्हें बैड बॉय बनना है। बैड बॉय बनने से मेरा मतलब ये नहीं है, कमान में पहले बता देता हूं, तुम बोलोगे क्या बोल रहा है, बकवासबाजी कर रहा है। बैड बॉय बनने से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लड़की को छेड़ो, लड़की को गाली गलौज करो, ये सब काम नहीं करना। बैड बॉय बनने से मेरा क्या मतलब है भाई, तुम्हें बता देता हूं, थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ। तुमने कभी चीज सोची है, इमेजिन करिए कि जो अच्छे लड़के होते हैं, जो सीधे साधे लड़के होते हैं, लड़कियां उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती, लड़कियां अक्सर उन्हीं लड़कों को बॉयफ्रेंड नहीं बनाती और उनका ना काट के फेंक देती है, फ्रेंड जोन कर देती है, दोस्त बना देती है, वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही, फालतू का नौटंकी जो करती है वो सीधे लड़कों के साथ ही करती है। लेकिन अगर कोई टेढ़ा लड़का मिलता है, कोई बैड बॉय मिलता है, जो दारू सुट्टा मारता होगा, लड़कियों को छेड़ता होगा, लड़कियां उनके प्रति अट्रैक्ट होने लग जाती हैं, क्योंकि उनके पास पावर नहीं रहती। वो लड़के इनको घंटा मुंह नहीं लगाते, इनके पीछे नहीं पड़ते, आने तो आने, तो भाड़ में जाए,
ऐसा उनका एटीट्यूड होता है, पटेगी तो पट, नहीं तो भाई साइड निकल। और लड़की को तब एहसास होता है कि यार ये लड़का तो मेरे इतने पीछे पड़ा ही नहीं, ये तो मुझे कैजुअल ले रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो ब्यूटीफुल उसने ऐसे कर कैसे दिया। और हम लड़के क्या करते हैं कि पहले ही अच्छे बन जाते हैं, बहुत ही नाइस है, बहुत ही अच्छे है। नहीं, लड़की को मौका दो कि लड़की चेज करे, लड़की को मेहनत करने दो आपकी अच्छाई कमाने के लिए, लड़की को अर्न करने दो, जो तुम्हारी अच्छाई है ना उसको उसे अर्न करने दो। लड़कियों को पता है क्या होता है, लड़कियां चाहती हैं किसी चीज को सुधारना, तो जो बैड बॉय होता है ना उनको एक प्रोजेक्ट सा मिल जाता है कि भाई इस लड़की को मैं सुधारूंगी, उसको समझाएंगी यार प्लीज दारू मत पिया कर, प्लीज सुट्टा मत मारा कर, प्लीज ये मत किया कर, प्लीज वो मत किया कर। और जो साला एकदम सही लड़का जो काम नहीं करता उनको घंटा भाव नहीं देती, मोहनी लगाती, तो समझ आओ ना लड़कियों का खेल ही निराला है भाई। लड़कियों को कोई समझ नहीं पाया, लेकिन जितना मैं समझ पाया उतना मैं आपको बता रहा हूँ। लड़कियों को पता है क्या पसंद होता है, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, मिस्ट्री, यानी कि जो चीज अता पता ही नहीं है, कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं, उसको बहुत मजा आ रहा होता है ऐसे में। अनसर्टेनिटी, उसको पता नहीं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कुछ भी अचानक से हो रहा है, कुछ भी अचानक से जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कुछ। और तीसरी चीज मिस्ट्री, अचानक से कुछ बवंडर हो जाना, मैजिक हो जाना, तूफान उठ जाना। तुमने अगर देखा हो तो बॉयज को अक्सर कूल कहा जाता है कि मैं बहुत ही कूल हूँ, काम माइंडेड हूँ, ये हूँ वो, कूल हूँ ना, कूल बॉय हूँ। और लड़कियों को हॉट कहा जाता है, मैं बहुत ही हॉट हूँ, मैं आग हूँ, मैं ज्वाला हूँ, मैं अग्नि हूँ। क्यों कहा जाता है, मेरी बात सुनो, लड़कों को अक्सर ठंडी चीजें पसंद है, सेटल चीजें पसंद है जिसमें ना उतार चढ़ाव ना हो। लड़कों को हमेशा एकदम सेटल लाइफ चाहिए, एक लड़की मिल जाए भाई, प्यार मोहब्बत करे, आराम से चले, मस्ती हो, ठीक है बस सब सही है। जब किस करने का मूड हो किस कर लूं, प्यार की बात करने को तो प्यार कर लूं, जो भी मतलब करियर लाइफ इन सबको सेटल लेके चलना है। लेकिन लड़कियों को ये पसंद नहीं है, लड़कियों को चाहिए ब्रेकअप, लड़कियों को चाहिए इमोशनल उतार चढ़ाव वाली चीजें, जो तुमने देखी है ना भाई, सीसॉ होता है कभी ऊपर कभी नीचे, लड़कियों को वो चाहिए। उनको हॉट कहते हैं, हॉट से तुम समझ ही सकते हो, जो हॉटनेस होती है उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करते हैं, आई थिंक ऐसा ही होता है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी इधर उधर होगी, आदान प्रदान होगा, तो लड़कियों को हॉटनेस चाहिए होती है, बवाल चाहिए होता है, तूफान चाहिए होता है, लड़कों को एकदम सेटल चाहिए होता है। तुम्हें किसी लड़के को पटाना है तो कूल बन जाओ, सेटल चीजें रखो, लड़का पट जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें किसी लड़की को पटाना है ना तो तूफान खड़ा करना पड़ेगा, ड्रामा लाना पड़ेगा। कॉमन, तुम एक चीज एक एग्जांपल से समझो ना, कि तुम भाई मूवी में बैठे हो, मूवी देखने गए, ठीक है, तुम बोलते हो अच्छा लड़का इस लड़की के पीछे पड़ा है, पता है क्या होगा, वो लड़का जाएगा लड़की को प्रपोज करेगा, लड़की हाँ कर देगी। लड़का जाता है, लड़की को प्रपोज करता है, लड़की हाँ कर देती है, अब तुम क्या कहोगे, देखा मैंने कहा था ना, तुम पता क्या करोगे, पॉपकॉर्न मोबाइल फेंक के मारोगे कि इस मूवी में तो कुछ मजा ही नहीं आया, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही, हट साली बोरिंग मूवी है। लेकिन जैसे ही तुम देखते हो कि जैसे ही लड़का उसको पटाने के लिए जाता है, उसको प्रपोज करने के लिए जाता है, वैसे उसका एक क्रश आ जाता है लड़की का, और वो उसको पटा के ले जाता है, तब तुम बोलोगे ओ वाओ ये क्या हुआ, अबे आई मीन मेरे को तो ये सोचा ही नहीं था, मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है यार, कितनी इंटरेस्टिंग मूवी है। मतलब कि जो चीजें सरप्राइजिंग होती हैं, जो चीजें वैसी नहीं चलती जैसा तुमने सोचा था, वो चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। और लड़कियों के केस में तो कम से कम ये बहुत ज्यादा ही होता है कि लड़कियों को चीज पसंद ही नहीं है कि जैसा वो सोच रहे वैसा ही हो, लड़कियों को वो चाहिए कि जैसा उन्होंने सोचा वैसा हो ही ना, लड़की ने जैसा सोचा कि तुम ये करोगे तुम वो करो ही मत, आई मीन मतलब समझ रहे हो ना, लड़कियों के अनुसार मत चलो, लड़की को पावर मत दो। एक टेक्निक होती है एंटीसिपेशन टेक्निक, एंटीसिपेशन टेक्निक में क्या होता है, चार चीजें होती हैं। सबसे पहले आपको करना होता है कि क्यूरियोसिटी बढ़ानी होती है, क्यूरियस करना होता है, लड़की को क्यूरियोसिटी बढ़ाओ कि कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं है, लड़की को अंदर से एक उतावलापन लेके आओ कि अब क्या होगा, अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मूवी देखते हो ना, अब लड़का क्या करेगा, अब लड़की क्या करेगी, फिर ये ना हो जाए, फिर वो ना हो जाए, जैसे सीरियस में होता है, धुमताना कौन आ गया, ये नया कैरेक्टर डेवलप हो गया, ये कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, फालतू की चीजें ड्रामा बकचोदियां लेकर आओ, लड़की को बहुत मजा आएगा। एक्चुअल में तुम अपनी रियलिटी को कभी लड़की के सामने लेकर ही मत आओ। रियलिटी से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम जो तुम हो उसको फेक दिखाओ, रियलिटी से मेरा मतलब है कि लड़की को एनालाइज करने दो कि एक्चुअल में तुम पर्सन हो क्या, तुम हमेशा खुश रहते हो या हमेशा दुखी रहते हो, तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो, तुम वैसे क्यों करते हो, तुम इतना सरप्राइज क्यों हो जाते हो, तुम्हें डर क्यों लगता है, तुम्हें ये क्यों होता है, तुम्हें वो क्यों होता है। लड़की जितना तुमको एनालाइज करेगी, लड़की उतना ही तुम्हारे प्रति आकर्षित होने लग जाएगी, अट्रैक्ट होने लग जाएगी। तो अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में कभी लड़की को पूरा सच मत बताना, कसम से बता रहा हूं, कभी अपने बारे में लड़की को पूरा सच मत बताना, बताना आधा बताना, कुछ भी बताना, थोड़ा बताना, आधा बताना। कोई स्टोरी सुना रहे हो आधी सुनाओ, पूरी मत सुनाओ, जो बोले ना पूरी सुनाओ पूरी सुनाओ पूरी सुनाओ, जब बहुत बार भीख मांग लेगी प्लीज सुनाओ तब जाके सुनाना, इससे क्या होगा लड़की को मजा आएगा चेस करने में, नेक्स्ट टाइम उसे पता है कि जब भी उसे आपसे कोई स्टोरी सुननी है, कुछ भी सुनना है, तो उसको भीख मांगनी पड़ेगी, एंड दे वांट दैट। गर्ल्स वांट टू चेज अस, बट वी हम सोचते
कि नहीं यार लड़की के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, नहीं नहीं, लड़की के सामने जाके हाथ में परोस देते हैं अपनी पावर। एक काम करता हूँ, मैं सीधा बन जाता हूँ, लड़की को अपने बारे में सब कुछ बता देता हूँ, यार बहुत गलत होगा। तो हम लड़की के पास जाते हैं, उसको सब कुछ बता देते कि पता है बेबी, मैं ना ऐसा लड़का हूँ, मेरे जिंदगी में ये हुआ है, मम्मी ने ये किया, पापा ने ये किया, भाई ने ये किया, कजन ने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। अच्छा तुम बताओ। लड़की सोचते आप बकचोद, निकले यहाँ से, सब कुछ तो तूने बता दिया, अब लाइफ में रह ही क्या गया। इसीलिए अक्सर ये होता है कि जब लड़की को हम पटाते हैं तो हमें बहुत मजा आता है, लड़की को भी बहुत मजा आता है पटने में, लेकिन जैसे हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं सारा मजा खत्म हो जाता है। बस एक चीज होती है, बस समझना, ठोका पीटी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। लाइफ में सारा इंटरेस्ट जा चुका होता है, उसके बाद क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है, लड़की कहीं और अट्रैक्ट होती है, क्योंकि जो लड़की को पहले मिल रहा होता है, चीज मिल रहा होता है, मजा मिल रहा होता है, अब वो चीज नहीं मिलती। जो पहले ड्रामा होता था, तुम उसके पीछे पड़ते थे, उसको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, वेट करते थे उसके रिप्लाई का, लेकिन अब वो पड़ चुकी, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठोका पीटी कर रहे हो, तो लड़की को मजा नहीं आता। सेकेंड चीज, इमोशनल रोलर कोस्टर लेकर आओ। इमोशनल रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर मतलब होता है एक झूला होता है जो कि ना ऊपर नीचे करता रहता है, समझ में नहीं आता साला ऊपर कब गया नीचे कब आया। जो ऊपर जाता है तो फटती है, नीचे आता तो फटती है, नीचे आता तो हम सोचते हैं ऊपर ना जाए, ऊपर जाता तो हम सोचते हैं नीचे ना है, समझ रहे हो ना। ऐसे इमोशनल रोलर कोस्टर बनाना है। इमोशंस कैसे भी हो सकते हैं, तुम कभी खुश हो जाओ, कभी दुखी हो जाओ, कभी निराश हो जाओ, कभी मोटिवेट हो जाओ, समझ रहे हो ना। अपनी लाइफ को कभी प्रेडिक्ट होने ही ना दो, अपने आप को कभी प्रेडिक्ट होने ही मत दो। जो तुम्हारे मन की इमोशन से अंदर तुम्हारी आत्मा है, उसको कभी प्रेडिक्ट होने ही मत दो लड़की के द्वारा। तुम्हें एक चीज पता होगी कि हमें अपने जैसे ही इंसान पसंद होते हैं, लड़की को अपने जैसा ही कोई लड़का पसंद आएगा। अब लड़कियों को कभी प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या, लड़कियों को तुम समझ सकते हो क्या? भाई मैं तो नहीं समझ पाया, लड़की कब निराश हो जाए, कब हताश हो जाए, कब खुश हो जाए, कब चलाक हो जाए, कब बिल्कुल भोंदू हो जाए, लड़की कब गुस्सा हो जाए, कब खुश हो जाए, उसका कुछ भी पता नहीं है, कोई उसको समझ नहीं पाया है। 50 साल की कोई बूढ़ी अम्मा होगी ना, और भाई उनके 55 साल के उनके पति देव होंगे, ताऊ जी, उनसे जाके पूछना कि क्या आप अपनी पत्नी जी को कभी समझ पाए हैं 50 साल तक, 50 साल तक नहीं, 30-35 साल तक समझ पाए? बोलेंगे नहीं भैया, बिल्कुल नहीं समझ पाए। तो औरतों को लड़कियों को कोई घंटा नहीं समझ सकता, और तुम्हें भी ऐसे करना है, तुम भी ऐसे करो कि मुझे कोई नहीं समझ पाता। जब तुम ये दिखाओगे मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, कब खुश जाऊं, कब दुखी हो जाऊं, कब निराश जाऊं, कब बिल्कुल मोटिवेट हो जाऊं, मुझे खुद को नहीं पता, तो लड़की तुमको बहुत पसंद करेगी। तो कल को अगर लड़की बेफिजूल में गुस्सा हो जाए, खुश हो जाए, दुखी हो जाए, निराश हो जाए, मोटिवेटेड हो जाए, फालतू के इमोशन उसके ऊपर नीचे हो रहे हो ना, तो ये मत सोचना क्या कर रही है, इसमें गलती मेरी है, नहीं नहीं नहीं, लड़कियों को यही करने में मजा आता है, औरतों को यही करने में मजा आता है। औरतों को बनाया ही भगवान ने ऐसा है कि वो कब खुश हो जाए, कब निराश जाए, कब गुस्सा हो जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके रीजन जरूरी नहीं कि तुम ही हो। अगर तुम्हें लगता है ना कि ये चीज करने से लड़की ने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, लेट रिप्लाई करी, तो घंटा मेरे भाई घंटा लड़की के खुद के मन में कि उसको नहीं करना। लड़कियों की चौड़ ऐसी है, लड़कियों का मन ऐसा है, लड़कियों को कोई कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तुम्हें क्या करना है, ऐसे ही रहना है, अनप्रेडिक्टेबल। नंबर 3, कि रिमोट अपने पास रखो। रिमोट किस चीज का, पावर का। समझो ना कि पावर जिसके हाथ में रहेगी ना वो जीत जाएगा। तुम अपनी पावर लड़की को दे दोगे तो लड़की जीत जाएगी, और अगर अपने पास पावर रखोगे तो तुम जीत जाओगे। पावर क्या होता है मैं तुम्हें बता चुका हूं, तुम समझ पाए हो तो। पावर मतलब वो प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर पावर ऐसी होगी कि मतलब लड़की तुम्हें समझ ना पाए, तो पावर तुम्हारे हाथ में है, लड़की समझ गई तो लड़की के हाथ में पावर चली जाती है। तो अगर तुम पावर देना चाहते हो तो दे दो उसको, अपने बारे में सब कुछ बता दो, और अगर नहीं देना चाहते, अपने पास पावर रखना चाहते हो, तो लड़की को सब कुछ मत बताना, लड़की को अपने बारे में कभी कुछ मत बताओ, और लड़की को ना मौका दो कि वो आपको चेज करे। ऐसा काम करो कि लड़की आपसे अप्रूवल मांगे, तुम उसको वैलिडेट करो कि तुम्हें ये करना है कि नहीं करना। तुम लड़की से जाके पूछते हो कि मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बेवकूफ हो क्या, पागल हो क्या? लड़की को पूछना चाहिए तुमसे कि बेबी ये मैं काम करूं या ना करूं। भाई अगर ऐसे जिंदगी जियोगे तो भाई लड़कियों में बहुत मजा आएगा, तुमको बहुत मजे से जिंदगी जियोगे, और अगर एकदम सीधे बच्चे की तरह, बेबी की तरह जियोगे ना, तो भाई जियो, फिर मुझे मत कहना कि लड़की ने फ्रेंड जोन कर दिया, लड़की ने ये कर दिया, लड़की ने वो कर दिया। लड़की को चेज करना पहली बात बंद करो। ये हम साले इतने चूती हो चुके ना लड़के, कि लड़कियों को चेज करते हैं, लड़की पट जाए, लड़की पड़ जाए, लड़की लड़की लड़की, ठीक है लड़की, एक सिंगुलर थिंग की बात करो, नहीं नहीं नहीं, लड़की के पीछे मत पड़ो, पढ़ना है तो लड़कियों के पीछे पढ़ो, लड़कियों के पीछे पढ़ो। हमारी अक्सर यही शिकायत होती है कि लड़की हमको भाव नहीं देती। मैं इस चीज में बताऊं, लड़की अपनी जगह एकदम 101% करेक्ट है, एकदम सही है। क्यों है? तुम अपने आप को लड़की की जगह रखो कि वो लड़की हो, मतलब तुम लड़की हो। बहुत सारे लड़के तुमको मैसेजेस कर रहे हैं कि पढ़ जाओ ना बेबी, आई लव यू, मैंने तुमको देखा, तुम्हारी आंखों में खो गया, बालों में खो
खो गया, इधर खो गया, उधर खो गया, चाहिए नहीं चाहिए, ये फालतू फालतू की चीजें हो रही हैं। अब तुम लड़की हो, तुम्हारे पास से 10 लड़के मैसेज करने वाले हैं, तो तुम क्या घंटा दोगे एक लड़के को? भाव नहीं दोगे ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास वैसे ही 9 लड़के पड़े हैं लिस्ट में। और अगर तुम लड़के हो, तुम्हें पता है कि एक लड़की बड़ी ही मुश्किल से मिली है, थोड़ा बात बात करने को मिल गई है, तुम सब कुछ अपना पूरा का पूरा टाइम उसको दे दे रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी अपना पूरा टाइम तुमको दे दे, तो घंटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके अलावा भी लड़की के पास 9 लड़के हैं। और 9 लड़के मैं ऐसे ही बता रहा हूं, एकदम छोटा छोटा वैल्यू, ठीक है? बहुत बड़े बड़े लड़के होते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स में। लड़की जितनी ब्यूटीफुल होगी, लड़की जितनी हॉट होगी, लड़की उतने एटीट्यूड में रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारे अलावा ही मेरे पास बहुत लड़के बतेरे पड़े हैं लिस्ट में। आना है तो आ, नहीं आना है तो निकल, और यही तुम्हें भी लाना पड़ेगा एटीट्यूड। ऐसे जियो जिंदगी की भाई तेरे अलावा मेरे पास 10 लड़कियां हैं। अगर तुम ऐसे जियोगे तो भाई वो लड़की तुम्हारे पीछे जरूर पड़ेगी, और जैसे ही तुम उसे ये दिखा दो कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरी बाबू हो, सोना हो, बेबी हो, ये हो, मुन्नी हो, सीला हो, वो भाई लड़की भाई तुम्हारा काट के चली जाएगी। और नंबर 4 है वेटिंग टाइम। हर चीज के लिए लड़की को वेट कराओ। तुमने उसकी एक बार तारीफ कर दी, ठीक है, एक बार तारीफ कर दी, बार बार मत करना। एक बार तुमने तारीफ कर दी कि तुम हॉट हो, या तुम सेक्सी हो, या तुम क्यूट हो, तुम बोल्ड हो, तुम ब्यूटीफुल, जो भी तुम है, कि तुम्हारे अंदर ये अच्छा है, वो अच्छा है, फलाना ढिमकाना सब अच्छा है, तुमने बता दिया, उसके बाद तारीफ नहीं करने का, एक हफ्ते तक तो नहीं करने का। लड़की सोचेगी कि साला तारीफ कर क्यों नहीं रहा। अगली बार लड़की अगर आपके लिए कुछ अच्छा काम करती तो उसकी तारीफ करो। इससे क्या होगा, लड़की को एक चीज समझ में आएगी, भैया तुम चेप नहीं हो। दूसरी चीज कि लड़की को यह समझ में आएगा कि अगर उसको आपसे तारीफ चाहिए तो उसको आपके लिए कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा। तो अगली बार जब भी उसका मन करेगा आपसे तारीफ लेने के लिए, तो आपके लिए कुछ अच्छा काम करेगी, कुछ गुड डीड करेगी, जिससे आपको मजा आएगा। हो सकता है कि कभी वो आपकी तारीफ कर दे ताकि आप उसकी तारीफ करो, हो सकता है आपको कुछ गिफ्ट दे दे, आपकी थोड़ी कुछ मदद कर दे, जो भी करना है करेगी, लेकिन एटलीस्ट कुछ करेगी, खाली नहीं रहेगी। और अगर तुम चूतियों की तरह उसके लिए सब कुछ किए जा रहे हो, कुछ बोले जा रहे हो, तारीफ पे तारीफ पेले जा रहे हो, तो लड़की बोर हो जाएगी। लड़की सोचेगी कि क्या चूतिया चेप हो रहा है भाई, इसको निकालो अपनी जिंदगी से। और जो बैड बॉय होते हैं ना, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता लड़की क्या है क्या नहीं है, चल निकल तेरी जैसी बहुत है। और ये एटीट्यूड लड़कियों को पसंद आता है, डोंट नो व्हाई। तो जिंदगी का एक ही उसूल है कि ऐसे जियो जैसे उस लड़की की जैसी तुम्हारे पास 5 और बंदियां हैं जो कभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हैं। अगर ऐसे जियोगे तो भाई जिंदगी फाड़ के जियोगे। एक लड़की के पीछे नहीं पड़ने का, 5 लड़कियों के पीछे पड़ने का। 5 से मेरा मतलब है कि एक से ज्यादा लड़कियों के पीछे पड़ने का। एक के पीछे पड़ोगे तो कट जाएगा। कभी भी प्यार करके गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए, गर्लफ्रेंड बना के प्यार करना चाहिए। बहुत गहरी बात है, आराम से सोचना, कटेगा नहीं, बहुत खुश रहोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और प्लीज वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर प्लीज 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 कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में छोटी सी बेल नोटिफिकेशन आती है, उसको प्लीज ऑन कर देना, ताकि ऐसी छोटी मोटी वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो आपने देखी, मुझे बहुत मजा आया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।